नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। कल बीपीएससी की तरफ से शिक्षकों की बहाली के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। और अब बता दें कि 18 यानी कि आज से अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षकों की काउंसलिंग का काम जो है तेजी से पूरा करना है और इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से सभी जिले के जिला अधिकारियों को ये पत्र भेजा गया है और पत्र के माध्यम से कहा गया है जितने भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उनकी जो छुट्टियां हैं अगले आदेश तक रद्द किया जाना है। तो चलिए आपको पूरी खबर हम विस्तार से बता देते हैं कि दरअसल कल रिजल्ट जारी हुई है और इसमें आपको बताएं कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराने को लेकर राज्य मुख्यालय समेत सभी प्रखंडों और जिलों के में कार्यरत शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी बुधवार से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। जिलाधिकारियों को इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि 18 अक्टूबर से अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने की कृपा करें, ताकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित शिक्षकों की काउंसलिंग सुचारू रूप से हो सके। इसी को लेकर आप बता दें कि के पाठक ने ये भी जिलाधिकारियों को कहा है कि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शिक्षा कर्मियों को किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था और अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाए जाएं। काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करने को भी कहा गया है। बता दें कि कल रिजल्ट जारी हुई है और ऐसे में आपको बताएं कि शिक्षा विभाग लगातार अलर्ट मोड पे है कि प्रक्रिया कैसे करनी है इसको लेकर काम किया जा रहा है। तमाम जो चीज़ें हैं उसको भी लेकर आदेश भी जारी हो रहा है। बता दें कि शिक्षकों की जो रिजल्ट जारी हुई है, अब जल्द से जल्द इनको स्कूल में कार्यरत करना है और इसी को लेकर अब बताएं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी तेज करने का आदेश जारी किया गया है। काउंसलिंग को लेकर ही ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि 18 अक्टूबर से अगले आदेश तक जितने भी जिला स्तर के एवं प्रखंड स्तर के से पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द की जाती है। इसको लेकर एक पत्र भेजा गया है सभी जिला के जिलाधिकारी को और जिलाधिकारी को इस माध्यम से कहा गया है कि छुट्टियां रद्द करने की कृपा करें, ताकि जो काउंसलिंग है वो सही तरीके से हो सके। साथ ही पुलिस बल की तैनाती जो काउंसलिंग वाला जगह है वहां पर पर्याप्त हो, किसी तरह की जो दंगे होते हैं कभी देखा जाता है वो सब ना हो, तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, ये इसको भी लेकर सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। तो फिलहाल फिर इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।